नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ जाइए। हाय सर। हाय। नमस्ते। नमस्ते। आपके नाम क्या है सर? मेरा नाम सावन रैन एक्टर है सर। कहाँ से हो आप सर? मैं बिहार से आया हूँ सर। आप क्या करते हैं? मैं क्या बताऊँ सर, मैं बहुत बहुत गरीब आदमी हूँ सर। मुझे खाने के लिए नहीं मिलता है सर। इधर उधर से सर एक दो रोटी मांगता हूँ तो खाता हूँ सर। मैं बहुत बड़ा गरीब हूँ सर, और मेरा राशन कार्ड में भी मेरा नाम नहीं है। मैं जाता हूँ ग्राम पंचायत मुखिया के पास तो बलगा देता है, बोलता है कि तुम्हारा नाम नहीं है, तुम्हारा राशन नहीं मिलेगा, जाओ भागो यहाँ से। सर मेरा जीवन बहुत कष्ट चलता है सर। मैं आपका क्या बताएं सर, मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में जो मैं सोचता हूँ सर, तो मुझे बहुत बहुत दुख होती है सर। आप लोग तो बहुत अच्छे से ऐश आराम ज़िंदगी से जी रहे हैं सर, मुझे लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ता है सर। और मैं सोचा कि अब, और सर मैं बकरी चराता हूँ सर, दिन भर मैं बकरी चराता हूँ और रात को जाकर मैं अपने बच्चों को देखभाल करता हूँ सर। और बकरी चराने के टाइम में सर मैं आपको क्या बताया सर, जो मैं आपको बताने के लिए सर मैं उत्सुक नहीं हूँ, लेकिन मजबूरी है सर मेरे पास। तो मैंने सोचा कि चलते हैं अब शहर में, और शहर में सर मैं आया हूँ, और कुछ गाड़ियाँ पर जो माल लादा रहता है सर, उसे मैं सर ढो ढो कर सर मैं ले जाता हूँ सर, उसको रखता हूँ गोदाम में, जिससे मात्र सर मुझे 100 रुपया मिलता है सर। उस 100 रुपया में मैं लेकर आता हूँ सर, अपने बच्चों को खिलाता हूँ सर। कभी कभी नहीं हो पाता है सर, कभी कभी भूखे भी रहना पड़ता है सर। आप ही बताइए सर, 100 रुपये में महंगाई जमाने में क्या होगा सर। एक और बात बताना चाहूँगा सर, मैं एक लड़की से प्यार करता था, वह लड़की भी मुझसे प्यार नहीं करती थी। मेरे पास बहुत दौलत, गाड़ी, बंगला था सर, बहुत ऐश आराम था सर, मेरे पास बहुत पैसा था, लेकिन वह लड़की मुझसे प्यार नहीं करती थी सर। मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता था सर, करते करते उससे प्यार हो गया और वह लड़की मुझसे प्यार नहीं करने लगा, वह मेरा दौलत से प्यार करने लगा सर। और मुझे कुछ दिन बाद शादी हो गया और उस लड़का भी हुआ, तो लड़की पूरा दौलत, गाड़ी, बंगला पूरा लेकर सर चल गई सर, भाग गई, मुझे अकेला छोड़ गया सर, अपने बच्चों को सर मुझे छोड़ दिया सर। मैं उसी बच्चों को पालता हूँ और रखता हूँ सर, और बकरी चराया करता था सर। लेकिन एक दिन की बात है सर, जब मैं बकरी और एक आदमी आया, मैं बकरी चराया करता था, बोला अरे भाई इंडियन आइडल में क्यों ना ट्राई करते हो, तुम्हारा इतना अच्छा आवाज़, इंडियन आइडल में एक बार ट्राई करते हो। तो मैंने सर इंडियन आइडल के बारे में नहीं जानता था, क्या है इंडियन आइडल। वह आदमी आया और मुझे बोला, बहुत बढ़िया तरह से मैं समझ गया सर, और मैं इंडियन आइडल में आया हूँ सर, मैं अपने बच्चों को छोड़ कर आया हूँ सर, तो प्लीज़ आप मुझे मौका दीजिए, मैं इंडियन आइडल में गा कर सर मैं बहुत बड़ा स्टार बनूंगा सर, गायक बनूंगा सर। तो प्लीज़ भाई आप लोग मुझे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरा एक एक व्यूज बहुत इम्पोर्टेंट है सर। प्लीज़ सर आप लोग, उसमें आज जोड़ता हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग शेयर करें और लाइक करें सर, प्लीज़ सर। आप जो कर रही हो वो मेहनत का काम है, वो ईमानदारी का काम है, वो सच्चाई का काम है, वो कला का काम है। आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े। देखिए एक बात तो आपको ये बात हमें बतानी पड़ेगी, और वो दिन दूर नहीं है कि लोगों का नजरिया आपके लिए बदल जाएगा, और एक सुपरस्टार के रूप में आपको दुनिया जरूर देखेगी, बिकॉज इंडियन आइडल ने आपको वो मंच दिया है। आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देते हैं वो सपना, और आप उतने
काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे, ये पक्का वादा है। अगर आप डिजर्व करते हैं तो क्या गाना गाने वाले? बहुत अच्छा गाना है, दर्द भरी गाना जो सुनकर वो पड़िएगा। वाह वाह, जो भी इस गाने को सुनेगा वह रो पड़ेगा, और बहुत दर्द भरी गाना है। क्या बात है, वाह क्या बात है, क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग, चलिए जरूर सुनते हैं। कम ऑन ब्रदर, गुड लक। कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे, दीवानगी ने पागल किया है, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे, मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी दास्तां। आपकी परफॉर्मेंस में हर वो कठिनाई सुनाई दी जिसने आपको ताकत दी है। एक लड़की में, एक इतने कम उम्र की लड़की में इतना हिम्मत है, आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े। एक्स्ट्रॉर्डिनरी, जब भी ये गाना कोई गाता है तो मुझे मेरे भाई की याद आ जाती है।
को भी। ये संगीत कहाँ सीखा, कैसे सीखा, कौन सी गलियों में, क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है, क्या सादगी है, क्या मासूमियत है, कुछ ऐसी झलकियां तुम्हारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी। और मैं, मेरा दावा है, कौन इंडियन आइडल बनेगा पता नहीं, लेकिन इंडियन आइडल 11 तो बन चुका है तुम्हारी आवाज। इसका मतलब पता क्या है? सनी, तुम थिएटर राउंड में आ रहे हो। मैं बुलाना चाहूंगा इंडियन आइडल के हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट को। नेक्स्ट कंटेस्टेंट प्लीज। बाप रे बाप, कहां आ गए। नमस्ते सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साउंड एक्टर है मैम। आप कैसे हैं? क्या बताएं मैम, मैं प्यार का मरा हुआ इंसान हूं, जो प्यार में धोखा खाया हूं, और मैं क्या बताऊं। छोड़िए इन सब बातों को, आप बताइए आप कैसे। मैं भी अच्छी। इसी तरह गुलाब के फूल की तरह मुस्कुराते रहिए मैम। आपने तो गाना बिल्कुल सीखा नहीं। झूठ क्यों बोलूं सर, मैं कभी नहीं सीखा हूं सर, मैं यूट्यूब पर और आप लोगों को देखकर सर मैं सीखा हूं सर। मैं ऊपर वाले से दुआ कर रहा हूं कि भगवान इसको अच्छा गवा दे, अच्छा गा दे। थैंक यू सर। हम तो बहुत एक्साइटेड हैं आपको सुनने के लिए, आप क्या गाने वाले? बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। श्रोतागण से आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें प्लीज भाई। ठीक है चलिए। जी मैम। बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा काजल लगा इन प्यारी आंखों में, सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। अब तान दो एक नूर की चादर, नजारों हर तरफ
अब तान दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिलवर है चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवा